अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? एक मैसेज कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। वालेकुम अस्सलाम। साथ में जो जो लोग आ गए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीम को अगर शेयर कर देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी, नहीं करेंगे तो उनकी मर्ज़ी है। दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं, मज़ीद जो लोगों ने ज्वाइन करना है वो कर लें, फिर हम लोग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम चूँकि सीरा होली प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, आप सल्लम की ज़िंदगी और उससे जुड़ने वाली लर्निंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट पीस अपॉन हिम एज एन इंडिविजुअल। आज हम लोग देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ टीचर। हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें टीचिंग करने के लिए या आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए हमें क्या कुछ लर्न करने को मिलता है, या हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि टीच करने की जो बेहतरीन मेथडोलॉजीज़ हैं, टीच करने के जो बेहतरीन तरीक़ाकार हैं, उन तरीक़ाकार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टीचिंग मेथडोलॉजी थी उसके साथ हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, जो आज के मॉडर्न टाइम्स के हमारे मेथडोलॉजीज़ हैं किसी भी टीचर को जज करने के लिए, गेज करने के लिए। उन मेथडोलॉजीज़ को हम 1400 साल पहले आने वाली पर्सनैलिटी के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि वो इन सारी मेथडोलॉजीज़ को किस हद तक फॉलो उन्होंने किया, जो कि आगे जाके हमें पता चलेगा काफ़ी हद तक उन्होंने फॉलो किया। हम लोग आई थिंक शुरू करते हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एज एन एजुकेटर वो सारी चीज़ें देखने से पहले कुछ अहादीस मुबारक हैं जो कि इल्म की अहमियत पे, एजुकेशन की अहमियत के बारे में हैं। जैसे कि एक अहादीस मुबारक है कि द बेस्ट गिफ्ट पेरेंट्स कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन इज़ एजुकेशन। मतलब बेहतरीन जो जितनी भी गिफ्ट्स दें, वो नान नफका, रोटी, कपड़े, झूले, खिलौने, जो कुछ भी दें, जो उनमें से बेहतरीन गिफ्ट होगा वो एजुकेशन होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। समटाइम्स इसको रेफर किया जाता है कि ये एक अरब प्रोवर्ब भी है, लेकिन हमारे तक जो मिलती हैं वो रिवायात, उसके मुताबिक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करो हाथ में चीन जाना पड़े, गेन नॉलेज इवन इफ़ यू हैव टू गेट इट फ्रॉम एज फॉर एज चाइना। मतलब जितनी दूर भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए आपको जाना चाहिए। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। इल्म हासिल करना, नॉलेज गेन करना हर मर्द और हर औरत मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाया जाता है। वो मैसेज क्या है? हल यस्तवी अल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। हाउ इज़ इट पॉसिबल, अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है, ये कैसे मुमकिन है कि वो लोग जो इल्म रखते हों, वो लोग जो विजडम रखते हो, जो हिकमत रखते हो,
वो उनके बराबर कैसे हो सकते हैं जो इल्म नहीं रखते, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास विजडम नहीं है। तो ये कुछ अहादीस मुबारक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, के आप लोग कहीं पर कोट कर सकें। अब हम देखते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, और उसको फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग मेथोडोलॉजीज के साथ उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि वो किस हद तक उन क्वालिटीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में अपनाया और फॉलो किया। इससे हम ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि जो आज की क्वालिटीज़ हैं अच्छे उस्ताद की, वो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके हमें दिखा दी। सबसे पहली क्वालिटी एक अच्छे उस्ताद की वो ये है कि एक अच्छा उस्ताद हमेशा अपने स्टूडेंट्स का हिस्सा बन जाता है, उनके साथ मिक्सअप हो जाता है। हम अगर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी को, अपने कॉलेज को, किसी भी दौर को आप रिकॉल करने की कोशिश करें, तो जो बेहतरीन उस्ताद आपको याद होंगे वो उस्ताद थे जो आपके साथ आप जैसे हो जाते थे, जो आपको, आपके साथ कोई इम्तियाजी वाला सलूक नहीं करते थे, अपने आप को कोई खलाई मखलूक नहीं समझते थे कि स्टूडेंट्स जो है वो कुछ भी नहीं है और मैं सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं होता था। वो उस्ताद जो आपके साथ मिक्सअप हो जाते थे, आपके डेस्क पे बैठते थे, आपके मजाकों में इन्वॉल्व हो जाते थे, वही उस्तादों को हम लोग अच्छे उस्ताद समझते हैं। और स्टूडेंट की ये नेचर है कि ऐसे ही उस्ताद उसको अट्रैक्ट करते हैं, ये ह्यूमन नेचर भी है ना कि देर इज़ अ चाइल्ड इन एवरीबडी, हर इंसान में एक बच्चा होता है, और वो बच्चा उसी वक्त बाहर आता है जब वो किसी के साथ मोस्ट कम्फर्टेबल फील करता है। आप अपने दोस्तों के साथ उस तरह की उठपटांग हरकतें भी करते हैं जो कि आप घर वालों के सामने करने से या आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में करने से कतराते हैं, और वो जो उठपटांग हरकतें हैं वो आपके अंदर का बच्चा होता है। और वो बच्चा कब बाहर आएगा, वो उस्ताद के सामने कब बाहर आएगा, जब उस्ताद के साथ भी वो रिलैक्स्ड फील करेगा। तो पहला स्टैंडर्ड ये है कि एक अच्छा उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप हो जाता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लें, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस्वा है उसको देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि शुरू शुरू में जब सहाबा की तादाद कम थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनके लिए कोई सेपरेट जगह मुकर्रर की जाए बैठने के लिए, लाइक कोई ऊंची कुर्सी, लाइक कोई स्टूल और बाकी नीचे बैठे हों और आप ऊपर बैठे हुए हों, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे। फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे सहाबा बढ़ते गए, जैसे जैसे मुसलमान बढ़ते गए, तो फिर ज़रूरत थी थोड़ा सा ऊँचा बैठने की ताकि आवाज़ सब तक पहुँच सके, ताकि सबके साथ वो बातचीत कर सकें। तो ये एक अंदाज था, इवन जब लोग बाहर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आते थे तो उनको आके पूछना पड़ता था कि आप सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये किस चीज़ की निशानी है कि स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप हो जाना, उनके लेवल पे जाके चले जाना। आपने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, मैं जनाब बड़ा आपसे अलहदा रहूँगा, मेरा खाना पीना अलहदा होगा, मेरा ये अलहदा होगा, मेरा वो अलहदा होगा, नो। चूँकि वो सहाबा तमाम आपके शागिर्द थे, आप उनके उस्ताद थे, तो आपने उनके लेवल पर जाकर उनके पास बैठकर उनको समझाया, उनको सारी चीज़ें पढ़ाई। तो ये चीज़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें नज़र आती है। दूसरे नंबर पे एक अच्छा उस्ताद हमेशा कंपैशनेट होगा, हमेशा लविंग होगा, हमेशा जो उसकी टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं वो कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, एरोगेंस नहीं होगी उसके अंदर। जो इस्लाम का असूल है, जो कुरान पाक में भी बयान हुआ है, वो ये है, लेट हिम हु विल बिलीव, जो ईमान लाता है उसको लाने दो, एंड लेट हिम हु विल रिजेक्ट इट, और जो इसको रिजेक्ट करता है वो इसको रिजेक्ट कर दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की जा रही है, दैट यू आर नॉट सपोज टू पुश देम, यू आर नॉट सपोज टू बी स्ट्रिक्ट ऑन देम, यू आर नॉट सपोज टू बी एरोगेंट विद देम। एक दफ़ा क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, बाकी कुछ सहाबा भी मौजूद थे, वहाँ पे एक बद्दू आता है, बद्दू बोलते हैं जो विलेजर थे, अरब के विलेजर्स थे उनको कहा जाता है, वो आता है और वो आके मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबा उठने लगते हैं कि उसको मना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि अगर तुम उसे पेशाब करते हुए रोकोगे तो उसे तकलीफ होगी और उसे शर्मिंदगी होगी। फिर क्या होता है, जब वो पेशाब कर चुका होता है, फिर सहाबा जाने लगते हैं कि उसको मना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोक देते हैं।
किस लिए? कि उसे अगेन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते हैं कि जस्ट पानी लो, उस जगह पर गिरा दो, उसको साफ कर दो, वो खुद ही देख लेगा, उसे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये काम आइंदा यहाँ पे नहीं करना। अब ये एक प्रोग्रेसिव टीचिंग की मेथडोलॉजी है। स्ट्रिक्टनेस नहीं शो की, ये नहीं किया उसको जनाब डांटना शुरू कर दिया, क्या शो किया? कंपैशन शो किया। और ना सिर्फ ये कि खुद कंपैशन शो किया बल्कि सहाबा को भी बताया। ये टीचर का एक अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने शागिर्द को भी अच्छी चीज़ें इनकलकेट कर रहा होता है, अनइंटेंशनली वो चीज़ें लर्न की जा रही होती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पानी होगा वो उसका गंद ख़त्म कर देगा और उसको शर्मिंदगी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है। सहाबा को भी सिखा दिया, उस वो जो जिसने पेशाब किया उसको भी सिखा दिया और मैसेज भी पहुंचा दिया और कहीं पे स्ट्रिक्टनेस भी नहीं आई। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ। लाहौर में था, स्टूडेंट था तब, तो मेरे पाँव पे, मेरी जूते पे कीचड़ लगा हुआ था। अब रास्ते में ही एक मस्जिद थी, मैंने सोचा मैं अपना वहाँ पे साफ़ कर लूँ, शायद साइकिल से गिरा या कुछ इस तरह का हुआ, साफ़ करने के लिए वहाँ पे गया। अब बाई चांस जो जहाँ पे जूते रखने थे और उससे आगे जो वुजू करने वाली जगह थी उसके ऊपर जो वो डिफ्रेंशिएट करने वाला वो छोटा सा स्टेप था ना, वो इतना सा था, मतलब हार्डली वो फील होता था कि ये स्टेप है, वो थोड़ी सी बस ऊंची थी। अब मैं आगे बढ़ा हूँ वहाँ पे अपने हाथ साथ साफ़ करने के लिए, तो मेरे वो जो जूता था उसका थोड़ा सा हिस्सा उसके ऊपर आ गया, वो जो बन्नी सी बनी, हम पंजाबी में बन्नी उसे कहते हैं, स्टेप सा बना हुआ था उसके ऊपर आ गया। पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो जनाब कहते हैं देख दिमाग काम नहीं करता, अकल मत है कोई नहीं, पेंटा शर्टा पा के आ जाते ने, मस्जिद की हुरमत का नहीं पता, मस्जिद की ताजीम का नहीं पता, इन्हों ये है वो है। अब ये दो मैथडोलॉजीज हैं। अगर वो मुझे बताना चाहते, मुझे कहते बेटे आपका पाँव उसके ऊपर आ गया, प्लीज़ पीछे कर लो, मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा केयरफुल हो जाता कि मैंने इस तरह का काम करने से पहले देखना है। लेकिन उनके मेथडोलॉजी से मुझे और गुस्सा आया कि यार ये कौन सा तरीका कर, मुझे वैसे कहें कि पाँव पीछे कर लो, मुझे इतना डेढ़ घंटे का भाषण दे दिया। तो ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी होती है कि वो आपके साथ कंपैशनेट रहेगा, लविंग रहेगा, कभी भी एरोगेंट और स्ट्रिक्ट नहीं होगा। फिर एक अच्छा उस्ताद अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, एक अच्छा सोशल वर्कर अगर सोशल वर्क करना चाह रहा है, तो उसका तमाम का तमाम काम हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से स्टार्ट होगा, अपनी जात से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी को कहता हूं कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए और मैं खुद सिगरेट पी रहा हूं, तो मेरे मैसेज में, मेरी टीचिंग में वो क्वालिटी नहीं रहेगी। या मैं ये कहता हूं कि आपके बच्चों को, किसी दूसरे को मैं बता रहा हूं, तेरे बच्चों को रात 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, 10 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाना चाहिए, लेकिन मेरा अपना बच्चा रात को 11 बजे घर आता है, तो मेरे उस मैसेज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, मेरे उस मैसेज का कोई इम्प्रेशन नहीं होगा, मेरे उस काम का कोई इम्प्रेशन नहीं होगा। मैं अपना घर या अपना मोहल्ला या अपना सिटी छोड़कर बाहर जाकर तबलीग करनी शुरू कर दूं, जबकि उस तबलीग की मेरे घर में भी जरूरत है, तो उस तबलीग का बाहर पे उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना मैं अपने घर पे कर सकता था। तो एक अच्छा उस्ताद हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से अपने मैसेज को फैलाना शुरू करेगा, वहां से अगर या एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी, लेकिन उसने अपना फर्ज अदा कर दिया, स्टार्ट से शुरू कर लिया। अच्छे उस्ताद की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का मैसेज था वो कहां से स्टार्ट किया? जब इस्लाम के बारे में ये हुक्म आ गया कि आप ओपनली इसकी तबलीग कर सकते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वाज डन वो थी कुरैश को बुलाया गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना पेरेंट क्लैन था। कुरैश के आगे सब क्लैन उनका बनू हाशिम था, तो वो कुरैश के क्लैन को दावत दी गई हज़रत अबू तालिब के घर में, तो वहाँ पर उनको मैसेज पहुँचाया गया इस्लाम का। फिर उसके बाद अपने दोस्तों को मैसेज पहुँचाया, फिर सोसाइटी में वो मैसेज को लेकर गए। अब अगर वो सोसाइटी में पहले मैसेज लेकर जाते तो उन्होंने कहना था तेरे अपने रिश्तेदारों नाल ते तू गल नहीं की थी, ते हमारी तरफ आ गए हो, मतलब उस तरफ तो तुम मैसेज लेकर नहीं गए, हमारी तरफ आ गए हो। तो हमेशा एक अच्छा उस्ताद अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से स्टार्ट करेगा, जितने लोगों तक वो अपना पैगाम पहुँचा सकता है वो पहुँचाएगा, और फिर स्लो एंड स्टेडिली अपना सर्कल बढ़ाएगा।
कभी भी पहले ही वो जाकर सीधा प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश नहीं करेगा, ग्रास रूट लेवल से अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करेगा। यहां तक समझ आ गई? एक एक मैसेज कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा जी, अगरचे मुझे अभी तक मैसेज नहीं आए लेकिन स्टिल मैं आगे शुरू करता हूं। एक अच्छा उस्ताद, उसकी एक निशानी यह भी मौजूद है, यह भी है कि वो प्रोग्रेसिव टीचिंग करता है, छोटे लेवल से, छोटी चीजों से, अंडरस्टैंडेबल चीजों से समझाना शुरू करेगा। मिसाल मैं देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लड़कियों की एजुकेशन का एडवोकेट हूं, लेट्स टेक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं चला जाता हूं केपीके या बलूचिस्तान या पंजाब के किसी ऐसे एरिया में जहां पे लड़कियों को छठी आठवीं से ज्यादा तालीम देने का रुझान नहीं है। अब वहां पे जाकर अगर मैं डायरेक्टली ये बात कहना शुरू कर दूं कि तुम लोगों का दिमाग काम नहीं करता, तुम लोग इन्हें पढ़ाते क्यों नहीं हो, तुम लोग पीछे रह जाओगे, ये होगा वो होगा, तो वो लोग मेरे साथ लड़ेंगे, मेरी टीचिंग प्रोग्रेसिव नहीं होगी। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि भाई बेटियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकूक दिए हैं, आज अगर तुम कोई भी सोसाइटी में अपनी बेटी को पढ़ाएगा तो कल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई लेडी डॉक्टर आपकी फैमिली से होगी जो आपकी बेटियों का चेकअप कर सकेगी। जब आप पर्दे के बारे में इतने सेंसिटिव हैं, मतलब उन सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना जहाँ पर थोड़ी सी कोई सोशल या रिलीजियस या एथनिक सेंसिटिविटीज़ होती हैं, तो एक अच्छा उस्ताद कभी भी सेंसिटिविटीज़ को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, स्लो एंड स्टेडिली प्रोग्रेसिवली उसको लेकर चलेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कामों को लोगों को समझाने का एक अंदाज है। एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो शराब नोशी करता है, मुझे जैसे ही पता चले मैं ये शराब नोशी करता है मैं फ़ौरन उसे कमरे में बंद कर दूँ, एन मुमकिन है कि उसकी बॉडी की जो नीड्स हैं जो शराब ना मिलने से पूरी नहीं हो रही, एन मुमकिन है उन नीड्स की वजह से वो तड़प तड़प के उस कमरे में मर जाए, चाहे उसे रोटी मिली है चाहे उसे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो एडिक्शन जब आपकी छूटती है तो आपके बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो प्रोग्रेसिव वे क्या है कि मैं स्लो एंड स्टेडीली करूँगा, जो उसकी एडिक्शन है वो मैं इनिशियली मेडिकेशन से उसको रिलीफ देने की कोशिश करूंगा, आहिस्ता 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 कम करता करता फिर मैं बिल्कुल उसकी, ये जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं उसको बिजी करते हैं, उसको इस तरह के मेडिकेशन पे लगाते हैं और फिर आ जाके उसको वो काम ख़त्म करते हैं। अब सेम मिसाल ले लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी की सेंसिटिविटीज़ को डायरेक्टली हिट नहीं किया। जब शराब की ममानत का हुक्म आया, पहले अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू प्रोग्रेसिव टीचिंग हो रही है, पहले कहा जी कि शराब और पांसा और जुआ और ये जो हैं ये शैतानी काम है, बस इतना हुक्म आ गया, थोड़ी थोड़ी तंबीह करना शुरू कर दी, फिर कहा कि इनमें फ़ायदा है लेकिन इनका नुकसान इनके फ़ायदे से भी ज़्यादा है, फिर कहा इनसे दूर रहा करो, फिर कहा हराम कर दिए गए स्लो एंड स्टेडी। अब पहले दिन ही अगर कहते पहले दिन ही अगर ये कहा जाता कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे वीडियो रुक गई है मेरी, आई एम नॉट श्योर कि इंटरनेट का इशू है या क्या इशू है। नहीं, ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, चलें ठीक है, क्योंकि मुझे एरर आ रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल विद प्लेइंग दिस वीडियो, चलेगा कोई बात नहीं है।
अच्छा तो हम वो प्रोग्रेसिव टीचिंग की बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेंसिटिविटीज को डायरेक्टली हिट नहीं किया। एक वो मैंने पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, सहाबी आते हैं, या रसूलुल्लाह शराब भी पीता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, एट ए टाइम एक काम छोड़ सकता हूँ, तो कौन सा काम छोड़ूँ? आपने ये नहीं कहा हो तेरा दिमाग नहीं काम करता, दोनों छोड़ दे, तू दोजख में जलेगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने फरमाया चलो झूठ छोड़ दो, वो शराब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही छूट जाएगी। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोग्रेशन किसे कहते हैं कि जब पहला हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक हज किया, हज के बाद बैठे हुए एक सहाबी आते हैं, या रसूलुल्लाह वो फलाना रुकन करना रह गया, फलाना मैंने काम नहीं किया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, अगली दफ़ा कर लेना। या रसूलुल्लाह फलानी चीज़ मिस हो गया, आपने फरमाया कोई बात नहीं। या रसूलुल्लाह ये हो गया, ये चीज़ मेरे से रह गई, आपने फरमाया कोई बात नहीं। अब ये क्या है, आप सेंसिटिविटीज़ को या वो इनिशियल लर्नर्स थे उनको शुरू में कहते हो ओहो तेरा तो हज नहीं होया, तेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया, तू तो दुनिया तो ही ख़त्म हो गया, तेरा तो कुछ भी नहीं रह गया। अगर इस तरह का रिएक्ट करेंगे तो ये अच्छे उस्ताद की निशानी नहीं है। अच्छा उस्ताद, अब एक इवेंट गुजर गया, रोज़े गुजर गए, और उसके बाद आप किसी को कहो यार तेरे रोज़े कबूल नहीं हुए, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो अगली दफ़ा कहेगा यार कबूल तो होने नहीं है, तो रखने का क्या फ़ायदा? फिर एक अच्छा उस्ताद हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने जेहन में रखेगा। उनके मतलब मैं अगर मेरा बेटा है माशाल्लाह 2.5 साल का, अगर मैं उसको न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन समझाना शुरू कर दूं तो वो मजबूरी में बेचारा जी यस जी डा ओके हाँ जी समझ आ गई, ऐसा कह तो सकता है लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आएगी। अच्छा उस्ताद वो है जो मेंटल लेवल बच्चों का जहन में रखे और मेंटल लेवल अपने डिसाइपल्स का जहन में रखे और उसके अकॉर्डिंगली उनको समझाए। उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम मिसाल लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके डिसाइपल्स थे उनको उनकी कल्चरल और सोशल डिमांड्स के अकॉर्डिंगली पढ़ाया, उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंगली। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसालें कुछ इस तरह की देते, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियाँ बता सकते हैं, ये होगा इस तरह किया जाएगा तो क़यामत की निशानियाँ, क़यामत आने वाली होगी, करीब हो जाएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये भी नॉलेज दे सकता था कि दुनिया में जहाज़ भी चलेंगे, दुनिया में ट्रेनें भी चलेंगी, आप यहाँ से कराची तक का सफ़र या मक्का से मदीना तक का सफ़र आप 20 मिनट में कर लोगे। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिनको जिनका माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि ऐसे भी कोई पॉसिबिलिटी है, उनको ये बताते कि भाई अगले दौर में आने वाले दौर में लोग हवाओं में ऐसे उड़ा करेंगे, हर बंदा ही उड़ा करेगा, तो उनकी वो जहन में समझ ही नहीं आनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो कुछ भी पढ़ाया एज पर नीड्स ऑफ देयर टाइम्स एंड एज पर देयर कल्चरल एंड सोशल डिमांड्स, उसके अकॉर्डिंगली सारी तबलीग की गई। बेसिक्स ऑफ इस्लाम एक और चीज़ है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो एज पर नीड्स थी। अब फॉर एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक सुन्नत सिखाई, दैट वॉज द बेस्ट मेथड टू क्लीन योर टीथ 1400 ईयर्स अगो। अब अगर आज के दिन उससे बेहतर मेथडोलॉजी मौजूद है तो असली सुन्नत है दांतों को साफ करना। अगर आप ये कहें कि मिसवाक से साफ करूं, डेंटिस्ट्री ये कहती है कि मिसवाक के चूंकि रेशे इतने वो सख्त नहीं होते तो वो इंटरडेंटल स्पेस से गंद प्रॉपरली नहीं निकाल सकते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज के दौर में होते तो वो उससे अगर कोई अच्छा मेथडोलॉजी होती सफाई की तो उसको प्रेफर करते। उस दौर में आपने जो पढ़ाया वो उस दौर की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली था, और यही एक अच्छे उस्ताद की निशानी है कि वो अपने सोसाइटी को, अपने कल्चर को, अपने स्टूडेंट्स के लेवल को अपने जेहन में रखता है। फिर एक अच्छा उस्ताद हमेशा जो काम, जो नसीहत करता है उसके ऊपर पहले खुद अमल करता है, करके दिखाना, मतलब इफ़ यू डू समथिंग उसका ज़्यादा बेहतर असर है। मैं अपने बेटे को बोलता रहूं कि बेटे किचन में जब खाना खा लो बर्तन किचन में रखते हैं, खाना खा लो बर्तन किचन में रखते हैं, खाना खा लो बर्तन किचन में रखते हैं, मजबूरी में मेरे सामने वो ये काम कर सकता है, लेकिन अगर हर खाने के बाद मैं बर्तन उठाऊं अपने और उसको बोलूं बेटा बर्तन उठाओ और हम दोनों किचन में जाएं रख के आएं, इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, वो इसको अपने ऊपर कंपल्शन समझ लेगा यार दैट इज़ द नॉर्म, ये इस तरह हमें करना होगा। तो ज़्यादा
इम्पैक्ट ही उस बात का है जिसके ऊपर आप अमल करके दिखाते हो। मतलब अगर मैं कहूँ यार हर बंदे को K2 पे चढ़ना चाहिए, खुद मैं चढ़ूं कोई ना, तो दूसरों ने कहना इधर दिमाग नहीं काम करता। एक अच्छा उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दीन की बात की, अगर बेटियों को इज्जत देने की बात की, बीवियों को इज्जत देने की बात की, हमसायों के हकूक की बात की, जो जो आपने तबलीग की ईच एंड एवरीथिंग करके दिखाई। कोई ऐसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में उसवा में ऐसी बातें नहीं हैं जो डूएबल ना हो। हर काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने भेजा ही इसलिए, लकद काना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आपकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए आपकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो अगर वो डूएबल है तो ही नमूना है ना, नमूना तो उसी चीज को कहते हैं ना जिसको आप फॉलो कर सके। तो एक अच्छा उस्ताद हमेशा जो टीच करता है उसके ऊपर खुद अमल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दीन का मैसेज दिया तो यह भी साथ फरमाया आई एम वन ऑफ द फर्स्ट बिलीवर्स। बेटियों के हकूक, बेटी जब आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर जाते थे, बोसा देते हजरत फातिमा को, आके अपनी चादर बिछाते, उसके ऊपर बिठाते, पहले वो बिठाते फिर खुद बैठते। कभी भी और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी, हालांकि हजरत फातिमा का घर को ये नहीं था कि महीने बाद वो मिलने आती थी, घर साथ था, दूसरे दिन आ गई, एक दिन में तीन दफा आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी रिस्पेक्ट इस तरह देना बेटियों को, फिर बीवियों को इस तरह रिस्पेक्ट दी, हजरत आयशा को, हजरत खदीजा को, हजरत मतलब जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, सबको रिस्पेक्ट दी और फिर कहा कि बीवी के साथ जो अच्छा है वो बेहतरीन अखलाक वाला है। सारे काम करके दिखाए। फिर एक अच्छा उस्ताद कभी भी चीज़ें इम्पोज नहीं करता, कभी भी चीज़ें फोर्स नहीं करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा आपके रीज़न को, आपकी लॉजिक को एक्सप्लोर करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई चीज़ पढ़ा रहे होते थे तो अक्सर औकात आप पूछते थे हाँ जी सवाल पूछो, उसके पीछे वजह क्या थी? लॉजिक एंड रीजनिंग। उसके पीछे एक और उस्ताद की निशानी भी है, वो क्या है कि वो स्टूडेंट्स को इंट्रैक्ट करके रखेगा, स्टूडेंट्स को मतलब आप सलसल एक दे रहे हैं, मुसलसल एक मैसेज दे ही जा रहे हैं और वो सुन के सहाबा उठ के चले गए, इसमें इतना इंट्रैक्शन नहीं है जितना कि आपने एक बात कही और फिर पूछा तुम्हें एक बात ना बताऊं, तुम्हें पता है फलानी चीज़ किस तरह है, तुम्हें क्या तुम जानते हो अफजल बंदा कौन है, क्या तुम जानते हो माँ के हकूक क्या है, क्या तुम जानते। अब ये तरीकाकार क्या है कि लोगों की तवज्जो, लोगों को अपने साथ इंट्रैक्ट करके रखना। आज हम ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनमें ये आर्ट होता ही क्या है, वो के पार्टिसिपेशन, एक्टिव थिंकिंग, सर्चिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलस्ट्रेट करके बताते थे, वो सहाबा बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आपने स्टिक से ऐसे वो बना के दिखाया, पूछा ये एक सीधी लाइन बनाई, सीधी लाइन बताई ये इस्लाम का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, दूसरी लाइनें बताई जो दूसरे रास्ते ढूंढे जाते हैं अल्लाह को पहुँचने के लिए, ये करके बताया कि ये जो है ना ये इजीएस्ट वे है, आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलना तुम्हारे लिए आसान है कि इस वाली लाइंस के ऊपर। तो एक अच्छा उस्ताद हमेशा लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर बात करता है, जितने भी इस्लाम के बिलीफ्स हैं ऑल आर बेस्ड अपॉन लॉजिक। अफला या तदब्बरूना, अफला या तफक्करूना, कुरान पाक में बार बार आता है, तदब्बर क्यों नहीं करते, तफक्कर क्यों नहीं करते। फिर एक अच्छा उस्ताद सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट को सिर्फ डील नहीं करता, अच्छे उस्ताद की ये निशानी है। मुझे याद है हम लोग जब बचपन में थे, जब छोटे थे, हमारे दौर में ऐसे उस्ताद मौजूद थे, हम वी आर द लकी वंस, तो सिर्फ अगर के एक ही मतलब क्लास में एक ही टीचर होता था, आज तो अब तो ये होता है एक इंग्लिश किसी और टीचर ने पढ़ाना है, फलाना किसी और टीचर ने पढ़ाना है, हमें पाँचवीं आठवीं जमात तक एक ही टीचर मिलता होता था, तो उस टीचर की जिम्मेदारी थी अखलाकियात भी सिखाना, वो टीचर झूठ बोलने से भी रोकेगा, वो टीचर वालदैन के हकूक भी बता रहा है, वो टीचर सोसाइटी में रहना कैसे, धोखा नहीं देना वो भी बता रहा है, हालांकि वो उसकी ड्यूटीज़ में शामिल नहीं, लेकिन एक अच्छे उस्ताद की निशानी है कि वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट डील नहीं करेगा बल्कि वो हर वो चीज़ पढ़ाएगा जिसके बारे में वो खुद अवेयर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़ाती सब्जेक्ट हादी के तौर पर आपको भेजा गया, हिदायत पहुँचाने वाला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम मैसेज को सिर्फ रिलीजन तक महदूद नहीं किया,
आपने सोशल और वर्ल्डली लाइफ को के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के ऊपर भी सारी चीजें समझाई। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है और वो सारी चीजें वो करता है। फिर एक अच्छे उस्ताद की ये भी निशानी है कि वो लीडरशिप क्वालिटीज प्रोड्यूस करता है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं उस्ताद हूं, बस मैं ही खड़पैंच बना रहा हूं और मेरे अलावा कोई भी जो है ना वो आगे ना आए, वो ऊपर ना आए, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे दौर में जब हम बच्चे थे तो क्लास में मॉनिटर बनाने का एक ट्रेंड होता था। आजकल तो वो सीआर पक्का पक्का बना देते हैं ना, 6 महीने साल के लिए पक्का ही सीआर बन जाता है, पॉलिटिक्स वहीं से शुरू हो जाती है। हमारे होता था डेली बेसिस पे, हाँ भाई आज तू हाशमी साहब उठो सबक सुनो, साहब थे कोई नहीं, हाशमी उठ सबक सुन, लो जी सबक सुन लिया, एंड पे जाके उस्ताद को खुद सुना दिया, या किसी अगले दिन किसी और को बोल दिया, उससे अगले दिन किसी और को बोल दिया। उस्ताद क्लास से बाहर गए तो किसी नालायक से बच्चे की ड्यूटी लगा के चले गए, यार ध्यान रखो नाम लिखो जो जो शोर करता है वो मुझे बताना। अब ये क्या चीज एक्सप्लोर की जा रही है, वो अपने डिसाइपल्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको चार्ज दे रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले करके दिखाया। असहाबे सुफा, सुफा में सहाबा को भेजा कुरान पाक पढ़ाने के लिए। जब आप मक्का में थे हिजरत से पहले तो मदीना से 2 वफद आए थे उकबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत से पहले उन्होंने मुलाकात की, तो उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब बिन उमैर को भेजा कि जाओ इनको कुरान भी की तालीम भी दो, इनको दीन की तालीम भी दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं करते थे कि बस मैं ही आगे जाना है, सहाबा को आगे लगाते थे। मतलब किसी जिहाद पे जाना है, किसी सहाबी को लीडरशिप दे दी, आप जाओ जी ये वाला काम कराओ, किसी को टीचिंग के लिए भिजवाना है जाओ जी ये कराओ, निगोशिएशन के लिए बुलाना है जाओ अली तुम आप जाओ, कहीं पर हज़रत उमर फारूक को भेज दिया, कहीं पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भेज दिया। ये क्या था, ये लीडरशिप क्वालिटीज प्रोड्यूस की जा रही थी। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी होती है। फिर एक अच्छा उस्ताद जहां कहीं से लर्निंग ली जा सकती है उस अपॉर्चुनिटी को कभी वेस्ट नहीं होने देता। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक उस्ताद हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो CSS के मेरे पास इंग्लिश पढ़ रहे हैं या CSS की इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहे हैं, मुझे मेरे ही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में एक अच्छा बंदा मिल गया जो कि क्रिमिनोलॉजी बड़ी अच्छी पढ़ाता है, ठीक है, तो मुझे उसकी एथनिक बैकग्राउंड से, मतलब वो सिंध का है या वो नॉन मुस्लिम है या वो कुछ भी है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मेरे अच्छे उस्ताद होने की निशानी ये है, मेरे अपने स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाने की निशानी ये है कि जहां पे स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा हो वो मैं ले लूं। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है, विदाउट थिंकिंग एनी साइड इफेक्ट्स को, वो इर्द गिर्द के मामलात क्या होंगे। जब बदर के मौका पर जो नॉन मुस्लिम्स थे जो कैदी बनकर आए, तो उनकी निजात का, उनको छोड़ने का क्या वहां पे रखा गया जरिया, कहा जी 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। सो टीचिंग हैज नथिंग टू डू विद वंस रिलीजियस और एथनिक बैकग्राउंड। ये एक अच्छा उस्ताद ये चीज समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज को समझा कि उस वक्त मुसलमानों के बच्चों को तालीम की जरूरत थी और वो जो नॉन मुस्लिम पढ़ा सकते हैं उनसे अपना काम लिया और उनको आजाद कर दिया। फिर एक अच्छा उस्ताद कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि ये मेल है तो ये कोई काम कर सकता है, ये फीमेल है इसको कोई काम नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हिदायत, बहुत सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम तक हज़रत आयशा के थ्रू पहुंची, मतलब शी वॉज टीचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सहाबा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो टीचिंग का किसी के वो जेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये था आज का लेक्चर और ये थी एक टीचर की अच्छी निशानियाँ। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आ जाए मैदान में जो जो क्वेश्चन है। साथ में हाँ ये भी मैं अनाउंस कर दूं, इस वीक के अंदर हमारे 3 स्केड्यूल्ड लेक्चर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किस किस दिन और किस किस टाइम पे हैं। फ्री लेक्चर्स हैं, आप लोग उनको सुन सकते हो, आप लोगों को बेसिक्स का बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले एक लेक्चर हमारा पंजाबी पर है, पंजाबी की बेसिक्स के ऊपर, जिसकी पंजाबी है वो ज़रूर सुनिएगा। 15 तारीख को बुध वाले दिन, आज सोमवार है, कल मंगल है, परसों
रात 9 बजे क्लास होगी, पंजाबी दिया मुढ़लियाँ गल्ला, बेसिक्स ऑफ पंजाबी, ये 15 तारीख को है। इसके बाद एक लेक्चर हमारा 16 तारीख को है 5 बजे शाम, वो जर्नल साइंस के ऊपर होगा, इस्लामिक स्टडीज के टेस्ट बाय एंड ऑफ दिस सेशन। 16 तारीख को जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर लेक्चर्स है, उसकी बेसिक्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप गुड स्कोर्स ले सकते हो, और ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे। और 17 तारीख को हमारा जेंडर स्टडीज के ऊपर है 3 बजे, पहला पंजाबी के ऊपर रात 9 बजे 15 तारीख को, दूसरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी शाम 5 बजे 16 तारीख को, और तीसरा 17 तारीख को दिन 3 बजे जेंडर स्टडीज के ऊपर। ये अभी मैंने सारी मॉडर्न टेक्निक्स ही बताई है ना, मॉडर्न थीरीज अगर आपके पास कोई एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, हम इस लेक्चर को अपडेट कर लेंगे तो उनको भी हम रिलेट करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआओं में याद रखें। ये जितना इसका कंटेंट है वो मैं फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।